बुरहानपुर जिला वैसे भी ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां का इतिहास ब्रह्मपुर से प्रारंभ होकर बुरहानपुर तक आता है। यही नहीं, यहां मुगलों, मराठों, अंग्रेजों ने शासन किया और 1947 से बुरहानपुर आज़ादी के बाद से ऐतिहासिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। बुरहानपुर जिले का असीरगढ़ का किला हो, इसके साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक कहानियाँ छुपी हुई हैं, जिसे देखने के लिए इंटेक संस्थान के लोग यहाँ पहुँचे। विश्व धरोहर दिवस के समापन अवसर पर इंटेक के सदस्यों ने शाही किला पहुंचकर ब्रह्मपुर से लेकर बुरहानपुर तक का इतिहास जाना। ये वर्षों का प्रयास है, साउंड एंड लाइट के लिए काफ़ी वर्षों से हम लोग प्रयासरत थे और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर ओपी मिश्रा जी को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, चंदेरी, बुरहानपुर और उसके साथ में जो है भोपाल, हम तीनों का सम्मिलित प्रयास रहा, जिसमें सबसे पहले जो है चंदेरी को ये अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद में बुरहानपुर को ये अवसर प्राप्त हुआ। बुरहानपुर का अवसर प्राप्त होने के बाद में झाड़ों के चक्कर में हमारा ये प्रोग्राम 1.5 साल तक लेट हुआ और उसके बाद में फिर हमको ये पुनः ये श्रेय प्राप्त हुआ कि आज हमारे बुरहानपुर में साउंड एंड लाइट प्रोग्राम है। कई ऐतिहासिक नगरों में से बुरहानपुर एक ऐसा नगर है जहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में साउंड एंड लाइट प्रोग्राम हमको प्राप्त हो चुका है।